हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शो स्मॉलेस्ट क्रैनियल कैपेसिटी। नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि क्रैनियल कैपेसिटी क्या है, तो जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होता है, क्रेनियम प्रेजेंट होता है। तो क्रेनियम का जो इंटीरियर इंटीरियर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम, उसको हम क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं। इस वॉल्यूम के द्वारा हम क्या पता लगाते हैं, इस वॉल्यूम के द्वारा हम पता लगाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रेनियम, जो उसका कपाल है, उसके अंदर कितना ब्रेन प्रेजेंट है। और इसी ब्रेन के बेस पे हम जो ऑर्गेनिज्म की इंटेलिजेंसी का पता लगाते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितना इंटेलिजेंट है। तो इंटीरियर वॉल्यूम ऑफ क्रेनियम, जिसको हम क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, इसके द्वारा हम जो ब्रेन है इसके साइज का पता लगाते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ब्रेन का साइज लार्ज होगा और ऑर्गेनिज्म उतना ही इंटेलिजेंट होगा। तो सबसे स्मॉल जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो हमें देखने को मिलती है रिसस मंकी के अंदर। रिसस मंकी, इसके अंदर सबसे स्मॉल क्रेनियल कैपेसिटी होती है, जो कि लगभग 200 यूनिट तक देखी गई है, 200 यूनिट तक देखी गई है। तो अगर हम हमारा ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है रिसस मंकी, जो कि करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।